उत्तर के बलिया में सहतवार क्षेत्र कुसोरा गांव में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाज सेवी योगेश्वर सिंह के परिवार की ओर से किया गया। दरअसल समाज सेवी योगेश्वर सिंह का परिवार प्रतिवर्ष उनके माता पिता की स्मृति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन पिछले 13 वर्षों से कर रहा है। ये परिवार प्रतिवर्ष 27 नवंबर को माता पिता की स्मृति दिवस के रूप में मनाता है और पूरा परिवार एकत्रित होता है, जिसके तहत श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें योगेश्वर सिंह के परिजनों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने योगेश्वर सिंह के माता पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान लोगों ने उन्हें याद किया। वहीं जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम में शामिल होने से लोकसभा 71 सलीमपुर में कई कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जी, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज कौन सा? 27 नवम्बर को प्रतिवर्ष हम लोग अपनी माता जी और पिताजी की स्मृति में एक आयोजन करते हैं, जिसमें जितने भी अपने मित्र बंधु हैं, जितने भी सम्मानित लोग हैं, उनको बुलाते हैं और उनके साथ उनकी याद करते हैं पिताजी की। और हम सारे भाई बहन अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, तो हमने ये तिथि न मेरे पिताजी का ये स्वर्गवास हुआ था माता जी का इस दिन, न उनका जन्मदिन है, ये केवल स्मृति दिवस है। तो हम सारे भाई बहन बैठ के एक बार डिसाइड किए 2010 में कि हम लोग एक ऐसा दिन रखेंगे जिसमें कि सारे परिवार के लोग इकट्ठे होंगे, मेरी सारी बहनें बच्चे, अब तो काफ़ी बड़ा कुनवा हो गया है। तो हम लोग 27 नवंबर को प्रतिवर्ष 2010 से लगातार जिस दिन यहाँ गांव पर आते हैं और अपनी माता जी पिताजी की स्मृति में एक आयोजन करते हैं, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मानित लोगों के साथ मिल बैठ के चर्चा करते हैं और उसमें हम एक छोटा सा देखा जाता है कि आए दिन आप लोगों का समाज में काफ़ी योगदान रहता है। पिछली बार देखा गया कि आप लोग क्षितेश्वरनाथ प्रवेश द्वार आप लोगों ने बनवाया, क्या इस बार भी कुछ इस तरह की कुछ योजना है कि फिर आगे कुछ इस तरीके से समाज में जो किया जाता है कि एक मिसाल जो कुछ बन पा रहा है वो कर ही रहे हैं। मेरे छोटे भाई हैं योगेश्वर, वो लोकसभा सलीमपुर से प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो उसके संबंध में आयोजन आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम लोगों से बन पड़ रहा है समाज के लिए कर ही रहे हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं।